अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीती रात मुंबई के पब में भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। आग देर रात करीब 12 बजे लगी। फायर ब्रिगेड की दर्जन भर गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। मरने वालों में 12 महिलाएं जबकि 3 पुरुष थे। पुलिस के अनुसार मोजोस लॉन्ज में ऑल वुमन लास्ट नाइट थीम पर पार्टी थी, जिस कारण पब में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। आग लगते ही पब में भगदड़ मच गई। इस बीच कुछ महिलाओं ने बाथरूम में खुद को लॉक कर लिया। आग का धुआं बाथरूम में घुसा और दम घुटने से महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ज्यादातर महिलाओं की लाश बाथरूम से ही बरामद हुई है। वहीं इस हादसे के दौरान पब में मौजूद सुलभा अरोरा ने बताया कि आग लगते ही पब में भगदड़ मच गई। लोगों ने मुझे धक्का दिया और मुझे कुचलकर बाहर निकल गए। कई लोगों की लाशें पब के फ्लोर पर पड़ी थी। लोग बस बाहर निकलना चाहते थे। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। मामले में पुलिस ने रेस्तरा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या आईपीसी की धारा 304 के तहत एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि इस इलाके में कई कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, जो 24 घंटे खुले रहते हैं। आग से कई न्यूज चैनलों के भी ऑफिस जलने की खबर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।